राधे राधे मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली, मैं पूनम सा आप सबको इस धार्मिक तथा प्रेरणादायक चैनल एपी सनातन हिंदू पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर हम बहुत ही ज्ञानवर्धक तथा प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते हैं और आज का ज्ञानवर्धक तथा प्रेरणादायक कहानी है परिजात और ऋषि दुर्वासा। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक तथा धार्मिक प्रेरणादायक कहानी आपको सुनने को मिले। एक बार भगवान दुर्वासा ऋषि के मन में ये विचार आया कि मैं अपने संपूर्ण 60,000 शिष्यों के साथ अयोध्या में भगवान राम की दर्शन करने जाऊंगा। और ये विचार आते ही ऋषि दुर्वासा ने उसी समय अपने 60,000 शिष्यों के साथ अयोध्या नगर के तरफ चल दिए। अयोध्या जा रहे ऋषि के मन में एक ख्याल आया। तब दुर्वासा ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण करके यह भगवान विष्णु ही इस संसार में अवतीर्ण हुए हैं, यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन पूरे संसारी लोगों के सामने आज मैं उनका पौरुष दिखाऊंगा। ऋषि अपने मन में विचार करते वह अयोध्या नगरी में प्रवेश करने के लिए आम जनता के साथ भगवान के भवन के 8 चौकों पर लांघ कर पहले सीता जी के भवन में पहुँचे। तब सीता जी के द्वार पर खड़े पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर श्री रामचंद्र जी को इसकी सूचना दी। तब भगवान राम ने ऋषि को आदर सहित भवन के अंदर ले गए और बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। तब दुर्वासा ऋषि ने मधुर वचनों में श्री रामचंद्र जी से कहा कि आज 1,000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है। वह इस वजह से शिष्यों सहित आज आपके भवन में मेरा व्रत का पारण होगा ने और इसके लिए आपको मैं केवल एक प्रहर का समय देता हूँ। साथ में यह भी बताता हूँ कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से नहीं बनाया जाएगा, केवल एक उत्सव में ही मेरी इच्छा अनुसार वह भोजन जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन मुझे प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने धर्म की रक्षा चाहते हैं तो शिव पूजन निमित्त मुझे ऐसे पुष्प दो कि पुष्प यहाँ पर अब तक किसी ने नहीं देखा। अगर यह आप ना कर सके तो आप मुझे स्पष्ट कह दो कि इसमें मैं आसक्त हूँ, मैं चला जाऊँगा। तब मुनि के इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी के नम्रता से कहे, भगवान मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। तब राम की बात से दुखी होकर दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा, मैं
सरजू नदी में स्नान करके अभी आ रहा हूँ। अपने शिष्यों सहित शीघ्रता करना। हमारे लिए सभी उद्यमियों को अपने मित्र और सीता को जल्दी से रसोईया तैयार करने के लिए कहें। रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा आप जाइए, स्नान करके आइए। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। राम चिंतन हो गए। लक्ष्मण आदि भ्रता जानकी तथा सब के सब व्याकुल हो राम जी की ओर चिंतित दृष्टि से देखने लगे कि मुनि ने तो इस प्रकार की भोजन बनाने को बोले हैं जो अद्भुत है। यह बात कहकर ऋषि दुर्वासा सोचते हुए स्नान करने चले दिए कि अब देखता हूँ कि अब भगवान क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि जल और बिना गौ के उनके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाए और फिर उस पत्र को अपने वार में बांधकर धनुधर पर चढ़ाया और छोड़ दिया। उन्होंने वायु के वेग से उड़ान भरने वाले अमरावती में इंद्र को बुलावा भेजे थे। ये पत्र इंद्र के सभा में उनके सामने गिर गए। उस बाण को देखकर इंद्र व्याकुल हो गए कि यह कौन सा बाण है। फिर जो देखा तो उस पर राम का नाम अंकित था। फिर से साझेदार पत्र को सभा में शामिल किया गया। पत्र खुलते ही वह वार फिर से उड़कर राम के तर्ज में आ गए। उधर इंद्र ने उस पत्र को सभा में बैठकर सभी देवताओं को बारे में बताया। इसमें लिखा था, इंद्र स्वर्ग में सुखी रहो, आज 1000 वर्ष पूर्व मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ यहाँ आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो गौ जल या अग्नि के द्वारा सिद्ध न हो। इसके साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे फूलों को शामिल किया है जिन्हें अब तक न देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। अब वह सरजुग में स्नान करने गए हैं, इसीलिए तुम शीघ्र ही कल्प वृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकला है उसे क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बारों की प्रतीक्षा मत करना। तब इंद्रदेव अपने परिवार के साथ अयोध्या में आए और फिर जब दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ स्नान करके आए, तब माता सीता ने उस परिजात के पास व्यंजन का पात्र लेकर गई और परिजात से बोली, हे परिजात, आज हमारे अयोध्या में दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ आए हैं और आप ऋषि दुर्वासा सहित उनके सभी शिष्यों को उनके मनपसंद भोजन प्रदान करें जो भी सभी तृप्त हो जाए। ऐसा कहते ही जो भजन का सभी पात्र अनेकों पात्रों में व्यंजन से भर गए और इस प्रकार ऋषि दुर्वासा सहित अन्य सभी ऋषियों भोजन का आनंद लेकर भगवान राम से प्रसन्न हो अपनी कुटिया में चले गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।